आपको दिखाएंगे दोस्त, ठीक है? ठीक है, पूरा पत्ता लगा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारी फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपको एक एलईडी लाइट दिखा रहा हूँ, ये 100 वाट की एलईडी लाइट है गौरव कंपनी की, ठीक है, IP66 है ना। तो अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये लाइट ख़राब हो गई थी, आधी चल रही है और आधी नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक जानकारी देंगे ताकि आप भी इसको घर बैठे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसको इस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इतनी बड़ी लाइट है, ये 100 वाट की लाइट है, लेकिन इसको हम रिपेयर करना सिखाएंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे इसके अंदर वायर 3 आते हैं, एक अर्थिंग का वायर आता है और 2 इसके मेन वायर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक को भी कट कर रखा है क्योंकि ये अर्थिंग का है, हेवी लाइट बड़ी लाइट है, इसको अर्थ की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, इसलिए इसके अंदर वायर 3 दे रखा है। यहाँ पर ये देख सकते हो, तो ये ग्रीन कलर का है, ये अर्थिंग का होता है और ये मेन लाइट का होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, यहाँ से इधर उल्टा करके खोलेंगे। यहाँ पर पहले मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ दोस्तों, आधी हिस्से में चल रही है ना, तो आधा हिस्सा चल रहा है इसके अंदर दोस्तों। 50-50 वाट की चौक आती है इसके अंदर, ठीक है ना, हो सकता है इसके अंदर 50-50 वाट की चौक है, 100 वाट का है तो 2 चौक लगी हुई होती है इसके अंदर, वो चौक भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कोई वायर छूट गया या फिर चौक ख़राब हो गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे पहले और उसके बाद में आपको दिखाएंगे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो ये आधे आधे हिस्से में चल रही है, देख सकते हो ये 100 वाट की लाइट पूरी नहीं चल रही, आधी चल रही है और आधी नहीं चल रही, मतलब 50 वाट की ही चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम इसको खोलेंगे, हो सकता है इसका 2 हिस्सों में लाइट रहती है, हो सकता है वायर छूट जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या फिर चौक भी शॉर्ट हो जाती है, उठ जाती है। इसको पहले हम खोल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कांच को हमने खोल लिया है और अब हम इसके देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों उस कांच को खोल लिया, उसके बाद में यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है, यहाँ पर इस रिफ्लेक्टर को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, इस रिफ्लेक्टर को हटा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एक एलईडी का पूरा पत्ता लगा हुआ है, ठीक है, जो 2 हिस्सों के अंदर होता है दोस्त, ठीक है। ये 12 वोल्ट से चलती हैं ये एलईडी लाइट, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 चौक लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, मेन सप्लाई से ये 2 चौक चलती हैं, तो आधा आधा हिस्सों के अंदर ये चलती हैं, ठीक है दोस्तों। ये चौक है, एक 50 वाट की चौक आती है, ठीक है, 40 वाट की चौक आती है और 10 वाट की ये एलईडी हो जाती है, ऐसे मिलकर 50 वाट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, हम इसको चलाकर देखेंगे। ये देख सकते हो ये अर्थिंग वाला वायर यहाँ पर लगा हुआ है, अब हम इसको चलाएंगे दोस्तों। यहाँ से इसका हिस्सा अलग है और यहाँ से इसका हिस्सा अलग है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ से जो हिस्सा है ये वाला पार्ट चल रहा था इसका, और ये वाला बंद है दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं कि एलईडी ही ख़राब हो गई, एलईडी कंप्लीट है, ये ख़राब नहीं हुई थी। और इसके अंदर क्या हुई प्रॉब्लम दोस्तों, इसके अंदर ये 2 चौक लगी हुई हैं, ठीक है, अभी दोनों चौक में से एक चौक इसकी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चौक को बाहर निकालेंगे, यहाँ से इसको कोई से सोल्डिंग हटाएंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे और इस वाली चौक को दोस्तों ये वाली चौक इसकी ख़राब हो गई थी, हम इसको बाहर निकालेंगे। ये रिपेयरेबल नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट पार्ट नया डलता है, ठीक है, और इसको हम डालकर वापस चला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए अगर इसका पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अगला पार्ट भी इसका रिपेयरिंग का डालूंगा, मैं चौक कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो और मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।